हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए प्रोज से लेसन 4 सॉक्रेटिस के बारे में, जिसको लिखा है रोदा पावर ने। तो एक प्रश्न यह है कि जो सॉक्रेटिस है, सॉक्रेटिस को हिंदी में सुकरात भी कहा जाता है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम आप अगर देखें तो उनका दो दो नाम है, जैसे अंग्रेजी नेम कुछ और हैं, हिंदी में कुछ और कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सॉक्रेटिस हैं और हिंदी में इनको हम सुकरात पढ़ते हैं, इसी प्रकार अरिस्टाटल हैं जिनको हिंदी में हम अरस्तु पढ़ते हैं, अंग्रेजी में अरिस्टाटल कहेंगे और हिंदी में अरस्तु कहेंगे। इसी प्रकार जैसे ईसा मसीह हैं, हिंदी में आप ईसा मसीह कहते हैं, अंग्रेजी में जीसस क्राइस्ट कहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए सिकंदर हैं, सिकंदर महान का नाम आप सुने होंगे, इनको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम अंग्रेजी में कुछ और है और हिंदी में कुछ और है। तो इस तरीके से आप चाहे सुकरात कहिए चाहे सॉक्रेटिस कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। जहाँ तक रोड पावर का सवाल है, जो लेखक हैं इसके, सचमुच में यह एक जो है सामान्य राइटर हैं और आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के सामान्य राइटर हैं, एक तरह से मॉडर्न राइटर आप कह सकते हैं। और इनकी तुलना अगर किया जाए तो एचजी वेल्स और जेबी प्रिस्टले और सीईएम जॉर्ड, तीन लेखकों से इनकी तुलना की जाती है, एचजी वेल्स से और जेबी प्रिस्टले से एंड सीईएम जॉर्ड से, जो लोग बहुत ही बढ़िया कहानीकार हैं, स्टोरी राइटर हैं। तो रोड पावर ने सॉक्रेटिस के बारे में लिखा है। अब प्रश्न यह है कि सॉक्रेटिस कौन थे? तो अगर देखा जाए तो सुकरात वास्तव में एक बहुत ही यूनान के महान दार्शनिक थे, और जिसका अर्थ यह है कि इनकी कुछ बातें इस प्रकार थीं कि जिसमें पूर्ण रूप से सामाजिकता और किसी भी तरह के न्यायविधता और अन्य किसी भी प्रकार के सामाजिक समरसता आदि की भावनाएं इनके विचारों में दिखाई पड़ती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। तो इस कहानी में रोदा पावर सुकरात के जीवन के बारे में बताते हैं और उनके संदेशों के बारे में बताते हैं कि सुकरात के संदेश क्या थे। और यह है आपका लेसन जो है दो पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हम सबसे पहले आपको पार्ट 1 बताएंगे और इसके बाद फिर पार्ट 2 का वीडियो बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं पार्ट 1 में। पहले पार्ट में सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुकरात का जन्म जीसस क्राइस्ट के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस नाम के नगर में हुआ था, एथेंस में हुआ था एज ए बॉय। और जब वो बचपना में थे, ही वाज अगली, वो बहुत ही बदसूरत थे, अंडर साइड टेढ़े मेढ़े थे एंड हैड ए फ्लैट नोज, और नाक चपटी थी एंड बल्जिंग आइज, और उनकी आंखें उभरी उभरी हुई सी थी। हिज फादर वाज पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी बहुत ही गरीब पत्थरकट थे, पत्थरों को काट काट करके जीवन यापन करते थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर सैवली ड्रेस्ड, और यही कारण था कि सुकरात हमेशा मैले कुचैले कपड़ों को पहना करते थे। तो ये पहला पैराग्राफ उनके परिचय के बारे में है कि सुकरात थे कैसे, उनकी नाक चपटी थी, आंखें उभरी हुई सी थीं, और जबकि जीसस क्राइस्ट के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस नाम के नगर में इनका जन्म हुआ। ये देखने में बदसूरत थे, अंडर साइड टेढ़े मेढ़े थे, और इनके पिताजी बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, पत्थरों को काट काट करके जीवन यापन करते थे। इसी कारण से सुकरात जो थे, सॉक्रेटिस जो थे, वह मैले कुचैले कपड़े पहनते थे। तो पहले स्टेंजा में, सॉरी, पहले पैराग्राफ में, पैसेज में यहाँ पर
साकटीज के परिचय के बारे में दिया गया है और उनके फैमिली के बारे में दिया गया है। अब आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने ही उम्र के समान अन्य बच्चों की ही तरह ही वेंट टू स्कूल, वह भी विद्यालय जाता था। वायर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिमनास्टिक्स, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ हुआ करते थे उसके विद्यालय में, उस समय संगीत और व्यायाम थे। उस समय संगीत और व्यायाम जो थे सबसे महत्वपूर्ण पाठ हुआ करते थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, इन्होंने कुछ विज्ञान और गणित का भी अध्ययन किया था। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ तारों के बारे में भी अध्ययन किया था। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन उतना ज़्यादा इतिहास और भूगोल का ज्ञान नहीं था एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जितना कि आजकल बच्चे जोड़ देते हैं पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रेचर, यह छोटा सा और विचित्र प्राणी, विथ द शॉर्ट नेक और जिसकी छोटी सी गर्दन थी, एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, और जो चपटा सा चेहरा था, यह बहुत ही बुद्धिमान किस्म का लड़का था, विचारवान लड़का था। ही वॉज हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वो अपने सहपाठियों को हमेशा देखा करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत ही कम चीज़ें ऐसी बस्ती थीं जो सुकरात के समझ में न आता हो। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी उनको पढ़ाया जाता था वो लगभग सारी चीज़ों को समझ जाते थे। बहुत मुश्किल से कोई चीज़ बचता जो उनके समझ से परे होता। अब आप देखिए तीसरा पैसेज है, साकटीज डिड नॉट हैव बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। साकटीज के पास ना तो बहुत बड़े बड़े घर थे और ना ही तो कुर्सी बेंचेज आदि जो लकड़ी के बने पार्ट्स होते हैं, सोफा आदि उनके पास नहीं थे, बेड्स नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वेंट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशन, और साकटीज को ना तो बहुत ही धन दौलत की इच्छाएं थी और ना ही तो सुंदर सुंदर चीज़ों के चहेते थे। एज ही ग्रीव ओल्डर, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कम्फर्ट एंड प्लेजर। जैसे जैसे सुकरात बड़े होते गए वैसे वैसे वो अपने शारीरिक सुख सुविधा पर भी कम ध्यान देने लगे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल, उनका कहना था कि वह अपने दिमाग को या मस्तिष्क को ही सब कुछ समझते थे। दैट वॉज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, और ऐसा दिमाग जो बहुत ही अच्छा हो, ईमानदारी से भरा हुआ हो और न्यायपूर्ण हो, यानी ऐसा मस्तिष्क जो ईमानदारी और अच्छाई तथा न्याय से भरा हो उसी को महत्व देते थे, शरीर पर बहुत कम ध्यान देते थे। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। साकटीज वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात जो थे वह अपने नगर में सड़कों पर पैदल चला करते थे। एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बातें किया करते थे। द एथेनियंस बिगन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स, और एथेंस वासी लोग उनके परिचित चेहरे को सड़कों पर देखा करते थे। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहा करते थे, यस हाँ दैट इज साकटीज, यही सुकरात हैं, कम अलॉन्ग, आओ चलें, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बातें करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, साकटीज बिकेम फेमस एज ए टीचर, साकटीज जो थे वह एक अध्यापक के रूप में फेमस हो गए। ही वांडर्ड अलॉन्ग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और वह सड़कों पर चला करते थे और बीच बाजारों में खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनी वन हु केयर्ड हिम टू ग्रीट हिम, और वह किसी से भी बात करते थे, जो लोग उनको ध्यान से सुनते थे या उन्हें सम्मान देते थे वो किसी से भी बात करते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, और उनके सुनने वाले जो श्रोतागण थे प्रायः कन्फ्यूज हो जाते थे, संदेहों में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, जैसे ही उनसे बात करते थे उनके पश्चात, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या उनके प्रश्नों का जवाब जब साकटीज दे देते थे, तो उनके सुनने वाले जो श्रोता लोग रहते थे प्रायः कन्फ्यूज हो जाते थे, संदेहों में पड़ जाते थे। साकटीज टोल्ड हिज कंट्रीमैन, साकटीज ने अपने देशवासियों से बतलाया, दैट एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर एक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए। सो दैट, ताकि बाई यूजिंग हिज रीजन, अपने तर्कों का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वॉज राइट, उसके पास ऐसी शक्ति हो जाएगी जिससे पता चल पाएगा सत्य क्या है। जस्ट
जस्ट यानी न्याय क्या है, ट्रू सच्चाई क्या है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर क्या है, एंड सो सेफ हिज ओन कॉन्डक्ट, और इस प्रकार से स्वतः उसके चरित्र का निर्माण हो जाएगा। सुकरात का कहना यह था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने तर्क को दे, तार्किक हो, तो वह स्वतः ही बहुत ही बुद्धिमान हो जाएगा और साथ ही साथ ईमानदार हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, न्यायिक हो जाएगा, और इस प्रकार से वह स्वयं ही सभ्य बन जाएगा। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस नगर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरी वन, इन्होंने हर एक लोगों से कहा, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, अब दोनों लोगों से जो इनके शिष्य लोग थे या इनके जो अनुयायी लोग थे, इनको मानने वाले लोग थे, दोनों लोगों से इन्होंने कहा, दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, और यह केवल तब संभव हो सकता है जब हर एक एक नागरिक अपने दिमाग को शिक्षित कर सके, टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, अर्थात वह देख भी सके कि सही क्या है और गलत क्या है या अच्छा क्या है। अगर यह सब एक एक नागरिक जिम्मेदारी ले ले कि सच्चा क्या है या अच्छाई क्या है, तो यह संभव है कि उसे एथेंस नगर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। ही बिलीव्ड दैट, उनका विश्वास था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम डू दिस, प्रश्न करते रहना और डिस्कसिंग यानी वार्तालाप करने से उनको यह मदद मिलेगी। एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, और यही कारण है कि वो उन लोगों से खुली सड़कों पर लोगों से बात किया करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सॉक्रेटिस वृद्ध हो गए थे, हिज फेम एंड हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, तो उनकी जो प्रसिद्धि थी दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन ओपेंड इट्स डोर टू हिम, बड़े बड़े संपन्न या धनी लोग भी अपने घरों को उनके लिए खोल रखे थे। फार, क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर्ड, जो लोग थे अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, अपने आप को लोग सम्मानित महसूस करते थे सुकरात को अपना अतिथि पा करके, वो बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करते थे। बाय डिग्री धीरे धीरे करके स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, शिष्यों का एक विशेष समूह उनके चारों तरफ उन्हें घेरा रहता था, एंड फॉलोड हिम और उनके पीछे पीछे चला करता था, वेर एवर ही वेंट, वो जहाँ कहीं भी जाते थे। एमंग देम, उन्हीं लोगों में से वाज यंग मैन कॉल प्लेटो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्लेटो, हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड, जो हर एक शब्दों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते थे, समा लेते थे, विच इज मास्टर अटर्ड, जो उनके गुरुदेव कहा करते थे। एंड इन द लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस एज टीचर ए टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, और वह भी बाद के वर्षों में प्लेटो भी ठीक उसी प्रकार से एक महान शिक्षक हुए, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध शिक्षक हुए, जैसे सुकरात जी स्वयं थे। तो ये था आपका पहला पार्ट, अब ये पार्ट वन आपका समाप्त होता है, इसके साथ साथ ये वीडियो भी अब यहीं पर समाप्त होता है, और सेकंड पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊं वह शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।